हाय एवरीवन तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में तो देखिए जो भी ऐसे कैंडिडेट जो भी ऐसे स्टूडेंट जो पुलिस में जाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है गुड न्यूज ये है कि यूपी पुलिस में कुछ भर्तियाँ निकली सीधी भर्ती निकली है सीधी भर्ती का मतलब ये है होता है कि एक्चुअली इसमें सिर्फ आपको एग्ज़ाम देना होता है और रनिंग निकालनी होती है और इसमें आपका हो जाता है सीधी भर्ती इसी को कहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया और इसमें बोला गया है कि टोटल आपके साठ हजार दो सौ चवालीस जी हाँ साठ हजार दो सौ चवालीस वैकेंसीज पर यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है वो निकाली गई हैं और जिसके लिए आप इसके लिए यूपी पीबी पी पे जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा वेबसाइट पे जाके आप ये विज्ञापन भी देख सकते हो प्लस इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो पहले जान लेते हैं टोटल कितनी सीट्स हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है एज लिमिट क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है तो आरक्षित जो वर्ग हैं उनकी जो रहेंगे चौबीस हज़ार एक सौ दो सीट हैं ई डब्ल्यू एस के लिए छः हज़ार चौबीस है अन्य पिछड़ा वर्ग सोलह है अनुसूचित जाति 12,650 है अनुसूचित जनजाति 1204 है यानी साठ वैकेंसी निकाली गई है आरक्षी नागरिक पुलिस के पद भर्ती हेतु पुरुष और महिला महिलावर्ती पात्र होंगे ठीक है यानी पुरुष और महिला दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप दिल्ली से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी स्टेट से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है आवेदन की बात की जाए आवेदन जैसे एक्चुअली यूपी की जो मेन लैंग्वेज है वो हिंदी है ठीक है तो इसलिए नोटिफिकेशन हिंदी में निकाला गया है 27 दिसंबर को निकाला गया जो लास्ट डेट आवेदन की है यानी अप्लाई की वो 16 जनवरी है और 18 जनवरी को संशोधन कर सकते हो को कोई भी फॉर्म में अगर होता है करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी ठीक है और इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन जो शुल्क रहेगा वो चार सौ रहेगा जी हाँ चार आपका मात्र रहेगा चार सौ आपका आवेदन शुल्क रहेगा जो फॉर्म का तो राष्ट्रीयता क्या क्या मांगी है आप नागरिक होने चाहिए ठीक है ये देख लिया ठीक है थोड़ा नीचे कर लेते यूपी पुलिस में अगर आप पुलिस में जाना चाहते हो तो बारवी पास होने चाहिए इसके अलावा और देख लेते आयु की बात कर लेते अठारह से लेकर अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बाईस वर्ष की आयु प्राप्त ना हो अर्थात अभ्यर्थी 2001 से पूर्व तथा 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए आपकी डी ओ बी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है ये साफ साफ लिखा हुआ है तो पुरुष के लिए जो आयु इस इसमें बताइए हो बाईस वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप पुरुष हैं बाकी अगर आप महिला हैं तो महिला की पच्चीस वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें तो यही लिखा हुआ है ठीक है ठीक है तो ये सब आप देख सकते हो हाँ आपका फिजिकल भी होगा भर्ती प्रक्रिया देख लीजिए पहले आपको फॉर्म भरना होगा लिखित परीक्षा होगी लिखित परीक्षा आपकी तीन सौ अंकों की होगी जिसमें आपका सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी ठीक है मतलब आपका जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस संज्ञात्मक मानसिक योग्यता यानी मैथ ठीक है तो ये पूरा है आप देख सकते हो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी ठीक है परीक्षा ओ आधारित होगी मतलब कंप्यूटर पे नहीं होगी ओ एम आर सीट पर होगी जो ओ एम आर सीट होती है उस पर होगी तो जो भी भरना चाहता है भर सकता है आप कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ठीक है तो एज लिमिट मैंने आपको बता दी एज लिमिट अठारह से बाईस से पुरुषों के लिए जनरल कैटेगरी के और महिलाओं के लिए पच्चीस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है और बाकी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा फिर फिजिकल भी होगा फिजिकल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ फिजिकल टेस्ट में क्या बताया गया है तो देखिए सामान्य अन्य पिछड़ वर्गों के अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम एक सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी पुरुषों के लिए ठीक है और भाई अगर पुरुषों की 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए अनुसूचित जनजाति के लिए सीने सीने के बारे में भी इन्होंने बता दिया सीना भी आप देख सकते हो महिलाओं के लिए एक सेंटीमीटर होनी चाहिए और वजन के लिए भी बता दिया है न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम महिला अभ्यर्थी के लिए होना चाहिए तो मतलब आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए तो फ़िजिकली टेस्ट में भाई बताता हूँ फिजिकल टेस्ट इसका कैसा होगा 4.8 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी अगर आप पुरुष हैं मतलब अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी आपकी 25 मिनट में और अगर आप महिला हैं तो ट्वेंट टू किलोमीटर की दौड़ आपकी चौदह मिनट में पूरी करनी होगी आपको यानी रनिंग इसमें होगी ठीक है लॉन्ग जम्प हाई जम्प इसमें है नहीं और बाकी चयन तथा अंतिम योग्यता सूची वो वो आपके रनिंग फिजिकल और आपका जो भी टेस्ट है उसके आधार पे आपका चयन इसमें किया जाएगा तो जो भी करना चाहता है लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जो भी पुलिस कांस्टेबल बनना चाहता है यूपी के अंदर तो अप्लाई कर सकता है थैंक यू